अस्सलाम वालेकुम जमाई प्रीना। मज़मून है हमारा मुताला पाकिस्तान और उसमें उन्वान हम जो कर रहे हैं वह तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान। आज उसमें हमने जो सब्जेक्ट बीच में जो हमने उन्वान शुरू किया है वो है इब्तदाई मसाइल। उसके दो हिस्से जो थे रेड क्लफ अवार्ड और महाजरीन की आबादकारी वो हमने पढ़ लिया था। आज हमने नेक्स्ट पॉइंट करना है इंतजामी मुश्किल। क़याम पाकिस्तान के वक्त कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया। अंडरलाइन कर लीजिए कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत पहला दारुल हुकूमत कौन सा था। इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है या एमसीक्यूज हो सकता है कि पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कौन सा था, तो कराची। क़याम पाकिस्तान के वक्त कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया। मरकजी दफातर के लिए गवर्नर हाउस और सेक्रेटरीट की इमारतें खाली कराई गई मगर गुंजाइश कम थी, इसलिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में आर्जी दफातर कायम किए गए। हत्या के वजीर भी बुनियादी दफ्तरी सहूलतों से महरूम थे। नज्म व नस्क का यह ढांचा इसलिए तबाह हाल था कि माहिर और तजर्बाकार अमला मौजूद ना था, क्योंकि पढ़े लिखे ज़्यादातर या तो हिंदू थे या फिर वो अंग्रेज़ अमला यहाँ पे भर्ती करते थे। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की पार्टीशन हुई, एक तरफ पाकिस्तान बन गया दूसरे तरफ भारत, तो फिर जो पढ़े लिखे लोग थे यहाँ पे इन दफातर में काम करते थे, कुछ वो वैसे ही छोड़ के चले गए और कुछ उन्होंने बीच में दफातर में रिकॉर्ड वगैरह ख़त्म कर दिया, फर्नीचर टाइपराइटर सारा कुछ जो थे तोड़ फोड़ के ही वो गए थे, ताकि इन सब लोगों को यहाँ पर मुश्किल का सामना करना पड़े। तो नज्म व नस्क का ये ढांचा इसलिए तबाह हाल था कि माहिर और तजर्बाकार अमला मौजूद ना था। सिविल सर्विस के कुल 81 मुसलमान अफसर पाकिस्तान के हिस्से में आए। ये भी अंडरलाइन कर लें कि क़याम पाकिस्तान के वक्त सिविल सर्विस के कितने ऑफिसर मुसलमान ऑफिसर पाकिस्तान के हिस्से में आए, तो 81 या 81, जिनमें से ज़्यादातर को आला अहदों का कोई तजर्बा ना था। कि जो आए भी थे हमारे हिस्से में सिविल सर्विस के ऑफिसर, उनमें से कुछ वो भी थे जिन्हें आला अहदों का कोई तजर्बा ना था। मरकजी हुकूमत का रिकॉर्ड और साजो सामान इसलिए कराची ना पहुंच सका कि हिंदुओं और सिख फसादियों ने रेल की वो पटरियां ही उखाड़ दी जिन पर चलकर रेलगाड़ी ने पाकिस्तान पहुंचना था। भारतीय फजाई कंपनियों ने मुसलमानों को जहाज किराए पर देने से इनकार कर दिया। जो सरकारी मुलाजमीन किसी तरह पाकिस्तान पहुंच चुके थे उनके लिए रिहाइश का कोई बंदोबस्त ना था, मगर उन लोगों ने हिम्मत ना हारी, अपनी तमाम तार इंतजामी सलाहियतें कौम के लिए वक्फ कर दी और पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ा कर दिया। और प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए उस वक्त जो सरकारी अफसर वगैरह थे, इवन दैट आला आला अहदों पे भी जो फाइज थे ना, मर्द हजरात भी और खवातीन भी, तो उन्होंने ज़मीनों के ऊपर बैठ के भी काम किया था, चटाइयाँ बिछा के तो ज़मीनों पर बैठ के वो दफ्तरी जो काम थे वो किया करते थे। और उन्होंने हिम्मत नहीं थी हारी पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए और उसको चलाने के लिए उन्होंने हिम्मत नहीं थी हारी, हर तरह के हालात का सामना किया था। फिर आ जाए नेक्स्ट माशी मुश्किल। क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान को कई माशी मसाइल का भी सामना करना पड़ा। आज़ादी के वक्त पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाके पसमानदा थे, नकलो हमल और मवासलात की सहूलतें नाकाफ़ी थीं। अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने जानबूझकर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों को पसमानदा रखा। यहाँ से वो अपनी फौज के लिए जवान तो भर्ती करके ले जाते थे मगर यहाँ कारखाने और मिलें लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं करते थे। इस बदनीयती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की 75% पटसन मशरकी बंगाल में पैदा होती थी मगर पटसन के सारे कारखाने मगरबी बंगाल में थे, क्योंकि मशरकी बंगाल में मुसलमान आबाद थे और मगरबी बंगाल में हिंदू ज़िम्मेदार ज़्यादातर रहते थे। इसीलिए उन्होंने कारखाने वहाँ पे लगाए जहाँ पे हिंदुओं ने मौजूद होना था। हालांकि प्रोडक्शन जो पैदावार थी पटसन की बहुत ज़्यादा मशरकी बंगाल में होती थी, और ये भी अंडरलाइन कर लें कि 75% पटसन मशरकी बंगाल में पैदा होती थी। और इस पर मुकम्मल कंट्रोल हिंदुओं का था। तकसीम के वक्त मुतहदा हिंदुस्तान में कपड़े के 394 कारखाने थे मगर पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 14 कारखाने आए। ये तमाम चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिए अंडरलाइन करते जाएं।
मुतहिदा हिंदुस्तान में कपड़े के जो कुल कारखाने थे 394 और पाकिस्तान के हिस्से में कितने आए 14। बैंकों की कुल शाखाएं 487 थी मगर पाकिस्तान के हिस्से में 69 शाखाएं आई के 487 टोटल थी शाखाएं, लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में 69 यानी 69 शाखाएं आई। इनका भी सारा सरमाया हिंदू अपने साथ ले गए। दरअसल कांग्रेस की साजिश ये थी कि जब पाकिस्तान इक्तसादी तौर पर तबाह हो जाएगा तो ये मुल्क चल ना सकेगा। भारतीय हुक्मरानों ने पाकिस्तान और भारत में असासों की मुनासिब तकसीम में भी नाइंसाफी से काम लिया। वही ले बहानों से पाकिस्तान को उसका हिस्सा देने से गुरेज करते रहे। उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के हिस्से के असासे रोक लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फौजी असासों की तकसीम। बरसगीर की तकसीम के बाद फौजी असासों की तकसीम में भी इंसाफ से काम ना लिया गया। हुकूमत बरतानिया ने यह तय किया कि 3 जून 1947 के मंसूबे के मुताबिक भारत और पाकिस्तान में तमाम फौजी असासे 64% और 36% के तनासब से तकसीम कर दिए जाएं, यानी भारत के लिए 64% और पाकिस्तान के लिए 36% के तनासब से उन्होंने तकसीम का ऐलान किया। मुतहिदा भारत में 16 असला बनाने वाली फैक्ट्रियां काम कर रही थी और उनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जिसे पाकिस्तान को मिलने वाले इलाकों में बनाया गया हो। भारतीय हुकूमत असला बनाने वाली फैक्ट्री तो क्या, उसकी मशीनरी का कोई पुर्जा भी पाकिस्तान मुंतकिल करने पर आमादा ना थी। काफ़ी तकरार के बाद तय पाया कि असला बनाने वाली फैक्ट्रियों के हवाले से पाकिस्तान को 60 मिलियन रुपये दिए जाएंगे ताकि वो अपनी असला बनाने वाली फैक्ट्री कायम कर सके। आम फौजी असासों की तकसीम का जो फार्मूला बनाया गया हुकूमत हिंद ने उससे भी मुस्तरद कर दिया, जिससे हालात मजीद पेचीदा हो गए। यूँ पाकिस्तान को अपने जायज़ हिस्से से महरूम कर दिया गया कि वो जो कहा गया था तय पाया था कि 64% भारत को और 36% पाकिस्तान को इस तनासब से तमाम असासे जो हैं मुश्तरका हिंदुस्तान के मुतहिदा हिंदुस्तान के तमाम असासे जो हैं इस तनासब से तकसीम किया जाए कि 64% हिस्सा भारत को दे दिया जाए, 36% हिस्सा पाकिस्तान को। लेकिन भारत ने उससे भी इनकार कर दिया और यूँ पाकिस्तान अपने हिस्से से महरूम रह गया। प्यारे बच्चों, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक होगा। बाकी जरिए मुश्किल सियासी मुश्किल हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।